happiness, thankfulness for life to be so kind. आपने जो देखा ये यहाँ पहुँचने में इसकी शुरुआत होती है कई सालों पहले. It starts with a word, with a thought. So first of all, thank you to Sanju for sharing that one little thought, which finally became a film. और शुरुआत हुई तो फिर लोग जुड़ते जाते हैं. जैसा विनोद ने कुछ देर पहले कहा कि how it's a collaborative effort. So in the journey, people keep joining you from 1 to 2 to 3 to 100, and we all finally live together, breathe together, laugh together, fight together, and then the film reaches where it reaches. Fight together में मेरी तरफ देखा आपने? नहीं, मैंने कहीं नहीं देखा. So a big thank you to the entire cast and crew. Some of them are here, some of them are still working in sound studios and DI and everywhere to finish the film. Without them, this film could not have been there. And we have a lot of the cast here. Some of them are not here. I miss them. Like one, Anushka is not here. Baman is not here. Anushka is shooting in US. But a lot of them are here. So I would like to call all of them one by one, and so you all can interact with them. So Paresh ji first. And it's Paresh's birthday today. Yeah. Manisha ji. Sonam, Vicky, Dia, and finally Ranbir. Thank you. Okay guys, we can start. So we're starting with the questions. Next question. Hi, this is Mirna Maluk hai aapke left mein. Hi, Sadev. सर ट्रेलर बहुत ही बेहतरीन है, आपने ट्रेलर को देखा, रणवीर सर आपका क्या रिस्पॉन्स है, आपको आप कैसे समराइज करेंगे इस 3 मिनट और 3 सेकंड के ट्रेलर? आई थिंक वेरी हार्ड टू समराइज क्योंकि हम इस फिल्म पे 2 साल हमने काम किया है. यू नो यू फील के जो ट्रेलर होता है, वी ट्राई एंड रिप्रेजेंट द बेस्ट वर्जन ऑफ द फिल्म ताकि वो हम ऑडियंस को उत्साह सकें. बट आई ऑलवेज हैड बिलीव इन द स्क्रिप्ट, इन द फिल्म, इन राजू सर विजन. So it's way bigger than the trailer. You know, trailer is just a short video of what's going to come. And as per book, as per book, कैसे हैं आप, कैसे उन्हें जानते हैं, जरा एक करके अगर आप सब ये लोग दो लाइनें बोल. देखिए संजू को असल में जब वो संजू पहली बार जेल गया था, मैं उसको जानता नहीं था, तो उस वक्त अगर आपको याद हो, इन सबको याद होगा जो कहते हैं, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया था. तो मैं संजू को जानता नहीं था, मैं उनके घर गया और मैंने एक फिल्म बनाई उसकी और मुझे भी ब्लैक इंडस्ट्री नहीं ब्लैक. तो वो फिल्म हमने अनाउंस की, फिर जब संजू जेल से निकला तो उसने मुझे फ़ोन किया तो कहता कि मैं फिल्म बनाऊंगा आपके साथ. मैंने कहा भैया मेरी तो फिल्म है ही नहीं. उनका आपने तो अनाउंस किया. मैंने कहा यार वो तो मैं
I took a stand because till you are proved guilty, till anybody is proved guilty, you know. तो उसको थोड़ा समझ में आया, थोड़ा नहीं आया, फिर वो घर आया. और दैट द फर्स्ट टाइम आई मेट हिम एंड ही सेड दैट वी विल वर्क टुगेदर. मैंने कहा नॉट नाउ, इट वाज जस्ट अ स्टैंड आई टू. देन वी वर्कड विद हिम फॉर मेनी फिल्म्स लाइक मिशन कश्मीर, एकलव्य, मुन्ना भाई. सो संजू इज लाइक अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. मगर जो इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब मैंने ये फिल्म की कहानी सुनी, जब मुझे अभिजात जोशी और राजू ने सुनाई, तो जिस संजू को मैं जानता था, मुझे लगा कि मैं संजू को जानता ही नहीं हूँ. क्योंकि ये कहानी जो है, और सच कहानी है, ये इतनी आगे है उस संजय से जो मैं 20 साल से 15 साल से जानता हूँ कि इट्स अनबिलीवेबल. और ये मेरा संजू के साथ. दिया मनीषा जी, मैं संजू सर कहती हूँ उन्हें. उनके साथ मैंने काफ़ी फिल्में की हैं और हमेशा मेरा एहसास उनके साथ इंटरेक्ट करते हुए यही रहा है कि ही इज बिन एक्सट्रीमली वॉर्म, अफेक्शनेट, काइंड, जेनरस. एंड जब मैंने ये फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी तो आई वॉज, इट जस्ट ब्लू माई माइंड. आई कुडंट बिलीव हाउ लेयर्ड एंड हाउ डिटेल्ड दिस नैरेटिव वॉज. एंड इट रिवील्ड, यू नो, आप जब इंडस्ट्री का हिस्सा होते हैं तो यू हियर थिंग्स अबाउट पीपल, बट व्हेन आई हर्ड द स्क्रिप्ट I heard things that I had never heard before, and that was just remarkable about it. And I felt like, for some reason, I feel closer to him now than I ever did before, and I feel more connected with him than ever before. And we all love him unanimously. The Baba that I know is all heart, and many char films he has had. He's always been like a prankster, happy, all heart kind of a person. And I'm really looking forward to seeing this film because there's many aspects of his life that I don't know, I didn't know. So I'm keen to watch this movie. Hello. मुझे अक्षय खन्ना साहब का, I distinctly remember, मुझे कुछ 5 या 6 जनवरी को उनका SMS आता 2017 में, और दैट इज अ स्क्रिप्ट कमिंग योर वे, और ऐसा स्पिरिचुअल राइटिंग उन्होंने कहा मैंने कहीं देखा नहीं. बाद में मैं मिला, मुझे बुलाया गया, मैं मिला, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और बात बिल्कुल सही थी कि इतना स्पिरिचुअल राइटिंग हिंदी सिनेमा में कभी हुआ नहीं. ज़बरदस्त स्क्रिप्ट थी. एंड मुझे राजू हिरानी के साथ काम करने का मौका मिल रहा था, मुझे माय फेवरेट एक्टर रणबीर कपूर साहब के साथ काम करने का मौका मिल रहा था, तो मेरे लिए विन विन सिचुएशन थी. तो विनोद भाई विल अग्री टू इट, मैंने पैसे की भी बात नहीं की. एंड आई एम इन दिस फिल्म, और मुझे, मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा ही लकी आदमी हूँ कि मुझे ऐसी फिल्म मिली है, ऐसा किरदार करने को मिला उस बंदे का, कि जिस बंदे को मैं बिल्कुल तहे दिल से इज्जत करता हूं उनकी. और ऐसा इंसान, मैं ये शायद कहूंगा कि थोड़ी ज्यादती हो जाएगी, लेकिन मैंने मदर टेरेसा को तो देखा नहीं है, लेकिन मैंने दत्त साहब को देखा है. हेलो, मेरे लिए एज फिल्म मेकर्स हम सब ग्रीडी होते हैं कि ऐसा कोई कंटेंट मिले जो बहुत इंगेजिंग हो, एंटरटेनिंग हो, लोगों को हंसाए रुलाए. सो जब संजू से मैंने उनकी कहानी सुनी, तो एक कहानी तो जो है, जो आप सबको पता है, काफ़ी प्रेस में उनके बारे में काफ़ी लिखा जा चुका है, सब एक कहानी जानते हैं. पर मैंने जो एक कहानी सुनी जिसमें एक फादर सन की स्टोरी थी और एक दोस्ती की कहानी थी. सो इसेंशली ये वो चैप्टर्स हैं जो आपने नहीं कहीं पढ़े होंगे. सो आप फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बाप बेटी की कहानी और एक दोस्ती की कहानी है, और हमने पूरी ईमानदारी से कही है, यानी जहां गलत है वहां गलत है, जहां सही है वहां सही है. सो फॉर मी इट वाज ग्रेट टू गेट अ ग्रेट स्टोरी. आई जस्ट वांटेड टू वर्क विद राजू सर, सो आई सेड यस टू द जॉब. इट वाज एज इजी एज दैट, एंड आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ विनोद अंकल्स एनी फिल्म्स दैट ही मेक्स, एंड सो एनीथिंग. सॉरी, I just wanted to be a part. I've wanted to be a part of his production, and whatever films he's going to offer to me, I'll always say yes.
So for the next 1 year, I'll be standing on stage with them only. So I'm very happy to be here, and I'm very happy to work with Ranveer after 10 years. Check. पहले भी कहा है क्योंकि मैं एक साल से भी संजू सर के बारे में बहुत बातें कर रहा हूँ. जब मैं छोटा था फिर मेरे कबर्ड के वॉल पे संजू सर का पोस्टर था. एंड नाउ टुडे इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू आई एम इन हिज शूज, यू नो, लुकिंग एट यू एंड ट्राई टू रिप्रेजेंट हिम. एंड आई थिंक इन माय लाइफ आई रियली वांट संजू सर टू लाइक मी. आई नो आई कैन नेवर बी द मैन ही इज, आई कैन नेवर बी द पर्सन ही इज, बट इन एवरी विच वे दैट आई गो अबाउट इन माय करियर एज अ पर्सन, even through this film, I really want Sanju sir to like me, because I feel that he's a man that I respect a lot. I really look up to him, and I really hope that he feels that I have represented his life in a very honest and true way. अभी उनकी फिल्में देखकर बड़ा हूँ, और मुझे अभी भी याद है क्योंकि हमारे घर पे अभी भी एक तस्वीर है जहाँ पापा before becoming an action director as a stuntman Sanju sir के body double थे in one of his films. So अभी भी मेरे पास एक तस्वीर है जहाँ उन्होंने सेम कॉस्ट्यूम पहना हुआ है एंड बिटवीन शॉट्स मट्टी में है और सब कुछ. वो तस्वीर मुझे अभी भी याद है. सो फॉर नाउ आफ्टर सो मेनी इयर्स मुझे उनके लाइफ का एक अहम हिस्सा प्ले करने का जो मौका मिला है, फील्स ट्रूली स्पेशल. आई फील ब्लेस्ड कि मुझे ये मौका मिला. सो थैंक यू राजू सर, थैंक यू विनोद सर. श्याम जी इज हियर, विकीज डैड इज हियर. सर एक बार फॉर श्याम जी सर. सो टी सीरीज म्यूजिक और रिलीज, आई थिंक यू नो रणबीर आपके राइट में यहाँ पे. दिस इज सिमरन सिंह हियर फ्रॉम बुकमा शो. पहले मेहनत है वो दिख रही है स्क्रीन पे. मेरा आपसे सवाल है, अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग द फिजिक, ऐसे मोमेंट्स रहे हैं दैट व्हाइल शूटिंग दिस फिल्म दैट इट आपको ऐसा लगा दैट इट्स टेकिंग अ टोल ऑन यू? मतलब इतना आपने ड्रामा देखा, इस ट्रेलर में आपने इतना ड्रामा देखा, सो वर देयर एनी मोमेंट्स और वर देयर एनी डेज, प्लीज शेयर. एज एन एक्टर, यू नो, बिकॉज़ आई वाज वेरी एक्साइटेड टू प्ले दिस पार्ट, तो इट डजंट बॉदर यू दैट मच. बट देन व्हाइल आई वाज एक्टिंग आई वाज रियली इमेजिनिंग व्हाट ही मस्ट बी गोइंग थ्रू. यू नो, हम तो एक्टिंग कर रहे हैं, इट्स नॉट रियली हैपनिंग टू मी. ये सब मेकअप है, खून वून का, या जो भी जेल में हो रहा था, या व्हाटएवर हैज हैपेंड इन हिज लाइफ. सो आई थिंक जस्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट ही मस्ट बी गोइंग थ्रू वाज सच अ इंस्पिरेशन फॉर मी दैट द फिल्म वाज वेरी इजी. एंड आल्सो टू हैव सच एन इनक्रेडिबल कास्ट, टू हैव राजू सर, एवरीथिंग वाज स्मूथ सेलिंग. ओके रणबीर, एक और एक सवाल है कि हैज दिस फिल्म changed you as a person or improved you as a person, because you're playing a character who has never gave up in his life, so has it improved you? I think subconsciously every character you play, and that's why you choose them, you want to imbibe certain qualities from them. And I think Sanju sir's life is such that we all can learn something from his mistakes. That's why he's given it so gracefully, ke these are the mistakes I made, you know. And so I think his mistakes is something that, you know, I can really understand and I can learn from. Hello, Ranveer ji, yahan pe aati Saxena. Okay, here, first row. आप है ना एक साल से संजय दत्त को जी रहे हैं, तो वापस रणबीर कपूर बनने में अभी आपको कितनी प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं. मैं सीधा एक फिल्म है ब्रह्मास्त्र, उसमें घुस गया था. एंड आई थिंक ऐसा बहुत होता है एक्टर्स के साथ, क्योंकि व्हाइल वी आर प्रमोटिंग अ फिल्म वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन अनदर फिल्म. तो आई एम ऑलरेडी ऑन अनदर कैरेक्टर राइट नाउ, सो थैंकफुली इट वाज स्मूथ फॉर मी. अच्छा, संजू जी ने ईमानदारी से बता दिया कि उनकी 108 गर्लफ्रेंड्स थी. 300 की कैलकुलेशन. तो आपका अगर कभी बायोग्राफी बनी तो आप कितनी गर्लफ्रेंड ईमानदारी से बताएं? मैं तो एक्चुअली अलाउ करूंगा ही नहीं. आई डोंट थिंक मैं संजू सर के जैसे, आई एम नॉट अ करेजियस मैन टू गिव माय लाइफ आउट सो ओपनली, बट मेरी काउंट 10 से भी कम है, तो बायोपिक नहीं हो सकती. अच्छा, इसके बाद आपको कोई बायोपिक का आपको ऑफर मिला तो आप करना चाहेंगे? बिल्कुल, आई थिंक एनी स्टोरी दैट इंस्पायर्स, अगर वो बायोपिक हो या फिक्शन हो, एज लॉन्ग एज देयर इज अ स्टोरी टू बी टोल्ड, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट. थैंक यू वेरी मच. रणबीर, प्रशांत फ्रॉम ईटीवी. एक जो पोस्टर आया था अभी हाल ही में आपका और परेश जी का, बहुत इमोशनल पोस्टर था, उस सीन के बारे में बताएं. और वो एक पोस्टर ऐसा था जिसके बारे में बहुत बातें हुई हैं और लोगों के दिलों में घर कर गया, वो उस खास सीन के बारे में कुछ बता पाएं? आई थिंक जैसे आपने ट्रेलर में भी देखा कि संजू सर एक ड्रग फेज से गुजरे. ही वेंट सो डीप इनटू ड्रग्स दैट ही कम्प्लीटली लॉस्ट हिमसेल्फ, ही कम्प्लीटली लॉस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ. एंड ही एक्चुअली रॉकी के प्रीमियर के बाहर जब फिल्म चल रही थी, ही वेंट टू हिज फादर एंड सेड के आई एम गॉन, इफ यू डोंट सेव मी राइट नाउ आई वोंट बी एबल टू सर्वाइव. एंड दैट्स व्हेन सुनील साहब रियलाइज दैट हिज सन हैज गॉन सो डीप इनटू ड्रग्स दैट ही डिसाइडेड, यू नो, इट्स टाइम दैट नाउ आई विल लिव माय लाइफ
to make my son okay, and he took him to America to rehab. So that was a very important moment in Sanju sir's life. You know, it was a changing moment. He would have either died or you would have survived. And I think he was very brave enough to want to fight the drugs. Raju sir, film mein jaise aapne kaha ki ek idea hoti hai aur ek baat se shuru hoti hai. To wo lamha kya tha jab aap is film ki shuruaat hui ya iske bare mein baat cheet hui? Uske bare mein pura batao. देखिए मैंने संजू के साथ दो मुन्ना भाई फिल्में की थी, पीके में भी उन्होंने एक रोल किया था, तो मुझे लगता था मैं संजू को जानता हूँ. पर जब संजू परोल से बाहर आए थे कुछ वक्त के लिए, तो मैं उनसे मिलने गया और तब मुझे पता लगा कि जो मैं संजू के बारे में जानता था वो उतना ही है जितनी दुनिया जानती थी. आई वॉज नेवर वेरी क्लोज टू हिम कि हम बैठ के कुछ रात को पार्टियाँ कर रहे हो. ही वॉज वर्किंग विथ मी और मैं उतना ही जानता था. जब वो परोल पे आए तो उन्होंने आई थिंक वाज जस्ट वेंटिंग आउट, ऐसे खुल के बताना शुरू किया कि जेल में कैसे वक्त बीतता है. सो आई गॉट वेरी फैसिनेटेड विद इट. फिर उन्होंने अगले दिन फोन किया कि क्या कर रहे हो, आ जाओ. फिर मैं अगले दिन गया, फिर उन्होंने मुझे लगा पहली बार खुल के वो ऐसे बात करना चाहते थे. उन्होंने जब बताना शुरू किया तब मैंने अभिजात को फोन किया तीसरे दिन, और वो अहमदाबाद में था. मैंने कहा अभिजात आ जाओ, यहाँ मैं जो सुन रहा हूँ वो कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ऐसा कुछ सुना ही नहीं है. उसके बाद हम लोग 25 दिन रोज शाम को 5 बजे जाते थे उसके घर पे, 3 बजे तक बैठते थे और सुनते थे. वो रिकॉर्ड भी किया हम लोगों ने. तब मुझे लगा कि एक्चुअली घर से जब निकलते थे तो हमको ऐसा लगता था कि हमने जिंदगी जी नहीं है. वी फेल्ट लाइक ड्वार्फ्स कि ये क्या जिंदगी है. और फिर वहां उस दौरान ऐसा लगा कि एक दिन सुनने के बाद दारू वारू पी के संजय दत्त ने जिया, हमने बड़ी बोरिंग लाइफ है हम लोगों की. हाय संदीप हियर फ्रॉम ANI. सर सभी को नमस्कार. मेरा सवाल है परेश सर से. एट द टॉप सर सेंटर में यहाँ पर काफी ऊपर मेरा परेश सर से सवाल है. सर सवाल ये है कि आप रियल जिंदगी में अगर हम कहें तो आप खड़े हो जाएंगे प्लीज इफ यू डोंट माइंड. आप राजनीतिक करियर भी अभी आपने शुरू किया है और साथ साथ आप एक्टर भी हैं, और लगभग सुनील दत्त साहब का आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं सर. कुछ इसी प्रकार का उनका भी जीवन रहा जब हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये दुविधा आई कि अभी मैं किसी और पक्ष में हूँ और वो किसी और पक्ष में थे, इस कैरेक्टर को प्ले करने की दुविधा? मेरी सोच कभी ऐसी होती नहीं है, नंबर वन. और दूसरी बात है, मेरे मन में सिर्फ एक ही दुविधा थी कि वो बहुत बड़े बहुत अच्छे इंसान थे. वो जो अच्छाई है वो क्या मैं पर्दे पे ला सकूं, क्या यही दुविधा थी? सर आप हमको बताइए ना किस्सा, वो चिट्ठी वाला एक. आप हैरान होंगे, बड़ा कॉस्मिक कनेक्शन मुझे लगता है. 2005 के अंदर 25 मई को मैं अमेरिका में मेरे ड्रामा के शो कर रहा था, और मैं यहाँ पे आया हुआ था. दीवाने हुए पागल फिल्म का कुछ पैचवर्क था, और जो ललित वहाँ पे एयरपोर्ट के बगल में, वहाँ मैं गया सीधा लैंड होके, और मैंने घर पे फोन किया स्वरूप को कि मैंने बोला मैं आ गया हूँ लेकिन मैं शूटिंग खत्म होने के बाद मैं घर पे आऊँगा. तो उन्होंने कहा कि हाँ दत्त साहब का कुछ लेटर आया हुआ है. मतलब किसका? मतलब सुनील दत्त साहब का. मुझे क्यों खत लिखे? बोलते नहीं, तुम्हारी बर्थडे है वो विश. मतलब मेरी बर्थडे 30 तारीख को, 5 दिन पहले क्यों लिखेंगे? तो बोलते नहीं, उन्होंने खत लिखा है. मैंने बोला ठीक है. बाद में स्ट्रेट कट टू जब मैं इनके पास गया था 2 जनवरी 2017 में, उनके ऑफिस में बैठ के मैं नरेशन सुन रहा था, तो स्वरूप का मुझे फोन आया था कि तुम्हारे ड्रॉअर के अंदर वो लेटर पड़ा हुआ है, दस्त साहब का क्या करें. बिकॉज आई हैड आस्क्ड टू गेट सम डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द ड्रॉअर. तो मैंने अभी भी लेटर पड़ा हुआ है. तो एक कमाल का कनेक्शन था, और वो लेटर मैंने दिखाया इनको कि दस्त साहब. नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे बर्थडे विशेष वाले जो खत आते हो आप रखते हो, फिर थोड़े दिन के बाद निकाल देते हो. ये 12 साल के बाद 2005 से लेकर 2017 तक वो खत पड़ा हुआ था मेरे ड्रॉअर में. एक कमाल का कनेक्शन है. मैं इसे क्या कहूँ, मेरी समझ में नहीं आता. ये था कनेक्शन कि दस्त साहब का रोल करना मेरी नसीब में होगा शायद. वीडियो आया जिसमें ऋषि कपूर साहब काफी इमोशनल है देख के, और उन्होंने नीतू जी से कहा है कि आई स्वेयर ये मुझे रणवीर नहीं लग रहा है. तो ये फिल्म भी फादर और सन रिलेशनशिप पे है. देखने के बाद आप
आपको क्या रिएक्शन दिया उन्होंने और आपके लिए क्या इमोशनल मोमेंट रहा? पर पहले तो बिसाइड्स बी माय फादर ही इज आल्सो एन एक्टर आई रियली एडमायर एंड रिस्पेक्ट. तो जब राजू सर ने ये रिएक्शन रिकॉर्ड करके मुझे भेजा था, मैं उस वक्त कहीं और शूट कर रहा था. पापा कभी बोलते नहीं है मेरे चेहरे पे कि यू नो आपने अच्छा काम किया है. नॉट दैट आई एक्सपेक्टेड एट ऑल, बट यू नो व्हेन यू हियर सच वर्ड्स कमिंग फ्रॉम हिम, नॉट ओनली बिकॉज ही इज माय फादर, बिकॉज ही इज एन एक्टर आई लव, यू नो इट वाज एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस फॉर मी. यू नो इट रियली मूव्ड मी, मेड मी वेरी इमोशनल, बिकॉज एवरी फादर वॉन्ट्स देयर सन टू डू वेल, बट माई फादर इज वेरी केयरफुल कि वो ऐसे फ्री में कॉम्प्लीमेंट देंगे नहीं. यू नो वो हमें हमेशा कहते कि कसर रही, यू नो वर्क हार्डर वर्क हार्डर. So this was a wonderful gift that Raju sir and Nidhu sir had sent me his video. Raju sir, आपसे एक सवाल है. एंगल आप हमेशा जोड़ते हैं इस फिल्म में. एक मतलब जब हम कल्पना कर रहे थे तो ऐसा था कि संजय दत्त की लाइफ इतनी सीरियस रही है तो उस तरीके से ही पर्दे पे आएगी, लेकिन आपके मन में कहीं ये बात थी कि ह्यूमर जोड़ना भी जरूरी है फिल्म को एंगल, क्योंकि पहला जो टीजर आपने लाया है वो देखिए हर फिल्म का डीएनए अलग होता है. कुछ फिल्म में ड्रामा होता है, कहीं इमोशंस होते हैं, कहीं लाफ्टर होता है, कुछ फिल्म में हर चीजों का एक मिश्रण होता है. तो मैं कहूंगा इस फिल्म में भी एक्चुअली अभिजा गर्ग ने एक कमेंट बनाया हुआ, एलसीडी कहते हैं उसे, कोशिश करो कि हर फिल्म में लाफ क्राय और ड्रामा हो, पर उनकी मात्रा ऊपर नीचे हो सकती है. तो ये फिल्म मेरे हिसाब से इसमें ज्यादा ड्रामा और ज्यादा इमोशन है. ऐसा नहीं कि फन नहीं है, फन है डेफिनेटली है, मगर वो मात्रा ऊपर नीचे हो सकती है. तो आई डोंट थिंक हमको कंपेयर करना चाहिए कि हर फिल्म का. आप अगर मुझसे कहें कि पीके क्या है तो मैं कभी नहीं कहूंगा कि कॉमेडी फिल्म है. नहीं, कॉमेडी फिल्म वो भी एक बहुत बड़ी बात कह रही है. या इवन लगे रहो मुन्ना भाई, फादर पैटर, उन सब में भी ह्यूमर होता है, मगर देयर इज लॉट ऑफ ड्रामा एंड लॉट ऑफ अदर इमोशन. सो इस फिल्म में बहुत ज्यादा इमोशन है, मगर ऐसा नहीं लगेगा कि आपको फन कम मिल रहा है. वो लास्ट सीन आपने देखा ही अभी, वो लैंडलाइन पे फोन किया. विनोद जी, दिस साइड, विनोद जी, टुवर्ड्स योर दैट यू हैव, यू आर रिस्पांसिबल फॉर चेंजिंग द इमेज ऑफ संजय दत्त, बिकॉज आफ्टर यू आर द वन हु गेव हिम एमबीबीएस, मुन्ना भाई एमबीबीएस एंड ऑल पॉजिटिव काइंड ऑफ कैरेक्टर्स. ये सवाल तो आपको संजय दत्त से पूछना पड़ेगा. मैं इसका कोई जवाब ही नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं जब फिल्म बनाता हूं, कोई भी फिल्म बनाता हूं या किसी फिल्म से भी एसोसिएट होता हूं, तो मेरा पर्पस ये नहीं होता कि मैं इसकी कुछ इमेज सुधार दूं, इसकी इमेज बिगाड़ दूं, इसका ये कर दूं. वो फिल्म से हो जाता है, हर फिल्म से हो जाता है. हाँ, मैं समझता हूँ मुन्ना भाई एमबीबीएस से लेके उसका, हो सकता है आपने सवाल पूछा तो मुझे थैंक यू नोट कल भेज दिया अगर वो सुने, बड़ी मेहरबानी होगी. फूल भेज सकता है, कुछ वाइन भेज सकता है, कुछ मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा कि ये कुछ थोड़ा वायरल हो जाए, उसके सवाल तो शायद वो थैंक यू कर दे. रणवीर, वन क्वेश्चन, आप कहते हो मैं ठरकी हूँ, ये नहीं है मालूम है मुझे, ये विचार संजू है, संजू कैरेक्टर के लिए मैं बोल रही हूँ. ऑन रील आई एम कंप्लीटिंग इट. So which one you enjoy, romantic, being romantic? Of course, being druggist must have been quite tough. Romantic, of course, because you are also romantic at heart. Yes, absolutely. And I like love stories. I like romantic films because I believe that a character, when he's in love, he does incredible things. Whichever person, whichever individual is in love. So I'm more the romantic side. I don't have any tharkiness. आपने वो पोर्शन अच्छा तो बहुत किया है. राजू जी, मेरा सवाल आपसे, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो बेहतर होगा. राजू जी, क्योंकि फिल्म पूरी की पूरी फिल्म संजू पे है, संजय दत्त पे है, उनकी पूरी जिंदगी बताती है और बहुत क्लियर है. जैसे हम रणवीर की बात करें, इस प्लेइंग संजय दत्त, परेश साहब इस प्लेइंग दत्त साहब, मनीषा जी इस प्लेइंग नरगिस दत्त, एंड जैसे आपने विक्की कौशल के बारे में बताया कि उनके एक दोस्त हैं जो गुजरात में रहते हैं, उनकी कहानी वो किरदार निभाते नजर आ रहे हैं. तो बाकी जो महिलाएं हैं, सोनम कपूर हो गई, दिया हो गई या अनुष्का शर्मा, ये किन किरदारों की जगह पे हैं? हाँ, एक्चुअली आपने अनुष्का शर्मा मेंशन किया तो मुझे क्लियर करना चाहिए. कल ही मैंने ट्वीट किया था कि मैं आज बताऊंगा कि अनुष्का शर्मा क्या रोल कर रही है. हंसिएगा नहीं, बट अनुष्का शर्मा एक्चुअली, देखिए पहले मैं बता दूं कि कोई भी बायोपिक होता है तो उसमें कहीं आपको किसी की जिंदगी को कंप्रेस करना पड़ता है. संजू ने कंप्रेस करना पड़ता है तो कुछ कैरेक्टर्स मिलाने पड़ते हैं. तो
सच्चाई तो पूरी होती है पर वो टाइम स्पेस में कंप्रेस करके हम चलते हैं और कुछ कैरेक्टर्स जोड़ दिए जाते हैं। तो अनुष्का एक्चुअली जो रोल कर रही है वो मैं और अभिजात है, क्योंकि जैसे संजू ने हमें स्टोरी सुनाई और हम कह रहे थे यार ये क्या है, और तो अनुष्का इज एक्चुअली प्लेइंग अ बायोग्राफर जो लंदन में रहती है, जो इंडिया आई हुई है, और संजू चाहते हैं उनके ऊपर किताब लिखी जाए, वो लिखना नहीं चाहती है। तो जैसे हम भी उनकी कहानी सुन रहे थे, हम कई बार थे कि करें ना करें, हम जानना चाहते थे। फिर हम कभी पुलिस वालों के साथ बैठते थे, कभी हम लॉयर्स के साथ बैठते थे, कभी हम उनकी फैमिली के साथ बैठते थे कि करें ना करें। तो इट्स अ तो शी इज प्लेइंग एक्चुअली अस बट नॉट अ फिल्म मेकर, अ बायोग्राफर। You know, so what's this aspect of Sanju's life, the biggest intention behind the film? See, कुछ चीजें मुझे लगता है फिल्म के लिए छोड़ देनी चाहिए। अभी सब सारा सस्पेंस खोल देंगे यहाँ पे तो फिर फिल्म देखने कौन आएगा? राजू जी, एक महीने की बात है, अब देख लीजिए। That's it. मनीषा जी आपके राइट की तरफ, टीना को आपने जानना चाहोगे आपने नरगिस जी का किरदार निभाया जी, आपका भी कोई ऐसा कोई कॉस्मिक कनेक्शन का कोई किस्सा है जो आप शेयर करना चाहिए, आपने उनकी कौन सी फिल्में देखी? Actually, when Raju sir offered me this role, I was really thrilled and I felt it's such a great honor to play her. So I took on that. And similar to what Pareji's thing was, when my movie Bombay had released, Datsab had actually sent a letter to me saying that you remind me of Nargis Dachi. Wow, I didn't know this. So I really take that as a huge, huge, huge compliment. And that's it. We are and through Facebook on Jagran, Midday, Bollywood Hangama and Radio Mirchi. We'll start with Radio Mirchi Kolkata. We have a question coming in from there. Radio Mirchi Kolkata, if you can hear us, can you please shoot up your question? Yes. Please go ahead. Please first tell your name and... Hi Ranveer sir. Kisse sawal poochna chahte hain? Hi Ranveer sir. I'm Manishu from Kolkata. Kemon achen dada? Bhalo achen to? Ha bhalo achi. Apnara bhalo to? तो रणवीर सर मेरा आपसे ये सवाल था कि संजय दत्त का जितना भी स्टेज इस पिक्चर में दिखाया गया है लाइफ का, उनमें से कौन सा वाज द मोस्ट चैलेंजिंग फॉर यू टू पोर्ट्रे? आई थिंक द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट वाज द यंग संजय दत्त, यू नो व्हेन ही वाज जस्ट स्टार्टिंग आउट हिज करियर, हिज हाउ ही हैड टू डील विद द लॉस ऑफ हिज मदर्स डेथ, ड्रग्स, सो द फर्स्ट चैप्टर ऑफ संजय दत्त वाज वेरी चैलेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। और सर मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट था रवि सर, बर्फी में जिस अंदाज से आपने अपना नाम बताया था एक बार बता देंगे? मैं क्या बता देंगे? थैंक यू सर, रवि। ओके, हाय रणवीर। यू जस्ट सेड हाय ट्वाइस विद अ हाय स्माइल। माय नेम इज अनुजा and your question is that you have always been known to play a chocolate boy role, how difficult and different was it to play the role of Sanjay Dutt's wife, who is known for being macho? How was it playing it? It was very macho. It wasn't chocolate at all, it was more of liquor and whiskey. But it was a great challenge. But again, no actor is alive or able to take a challenge without its captain of his ship, that's Raju sir, and of course Abhijat sir, the writer of the film. Not that they made me macho, that was the gym instructor, but they wrote a macho character. Okay guys, next question coming up is from PVR Ahmedabad. Sagar from Ahmedabad. And my question for you is, you have recreated the Sanju look right away from Rocky till when he went to the jail. So which look was the most difficult to recreate and which one is your favorite? Okay, what was fun, you know, I had to sit for prosthetics for 5-6 hours every day when we had to do the old Sanjay Dutt look. So when he comes out of jail and how his look was, which was very iconic, it's in the trailer also, in the blue shirt, you know, in the beard, and he had that old choti.
I was very happy sitting on the chair for 5 hours to get that makeup done. So that's my favorite. He used to come at 3 at night to be ready for a 7 o'clock shift. So he was the first man. हम लोग सुबह पहुंचते थे 6 बजे, पता लगता था रणबीर का 3 बजे से मेकअप हो रहा है. Next question, please. Hello, Rambir sir. I am big fan of you. Utsav from Ahmedabad. आपने सोनम मैम के साथ तावरिया के बाद 10 साल के बाद काम किया है, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा? और आप दोनों राजू हिरानी के साथ काम कर रहे हैं, इस कंट्री के बिगेस्ट डायरेक्टर, और वो कैसे अलग है दूसरे डायरेक्टर्स बॉलीवुड के? ओके, सोनम पर मैंने 11 साल पहले काम किया था सावरिया में. नहीं, 10 साल तो रिलीज हुई थी. 2 साल हमने सावरिया पे काम किया था. आफ्टर दैट वी नेवर गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क टुगेदर. सोनम सेम है, वो बिल्कुल चेंज नहीं हुई है. जैसे वो ब्लैक में जब हम असिस्टेंट थे, वैसी ही उसकी पर्सनैलिटी है, वैसी ही दिखती है. एक्चुअली यू हैड लॉस्ट वेट आफ्टर ब्लैक, सो जैसे तू सावरिया में दिखती थी वैसे सेम है. एंड द ओनली थिंग दैट्स चेंज इन हर इज दैट शी इज बिकम एन इवन बेटर एक्ट्रेस. सो व्हेन आई वर्क विद हर, द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस शी केम विद, द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस शी केम विद ड्यूरिंग दीस 10 इयर्स, आई थिंक बोथ ऑफ अस रियली एंजॉयड वर्किंग विद ईच अदर. यू वांट टू से समथिंग? सेम. एंड वर्किंग विद द वर्ल्ड्स greatest director, Mr. Rajkumar Hirani, I think is every actor's dream, and I speak for every actor sitting on this stage. It's something else, you know. It is so easy and seamless that you don't realize you're working with such a great director. But when I guess the film releases and the kind of love that his other films have got, even if we get 20% of that love, I think I will be so happy that, you know, I had, in my life I got to work with Mr. Rajkumar Hirani. Thank you, sir. Sorry, ek minute, sir. We love you. I love you too. Okay, before coming back to you guys, PVR Delhi, we have a question coming up from PVR Delhi. First of all, I'm really big fan of yours. Really, I really mean that. My question from you is that your father has really appreciated your look, how you recreated the look of Sanju. Now, what about your mother? How did she reacted when she saw the trailer and the launch? My mother is my biggest fan. So whatever I do, she loves. I remember after she saw Bombay Velvet, she thought it was the greatest film in the world. So, yeah. I went to watch that. Thank you. You're the only person who watched that. Thank you. Ranveer. Yeah, next question, please. Hello. Yeah, we can hear you. We can hear you. Please go ahead. No, wait. We cannot hear you. Should we go back to Bombay? Yeah. Last question, and then we come back to Bombay. Yeah. Okay. Cool. No. Yeah. There was Randy. The guy in the black T-shirt. Randy. Just a second. Yeah. Wait. Give you a mic. You can hear. बोलिए दिल्ली. बोलिए दिल्ली वाले. Please अभी बोल दे. Ranveer, you're saying we are from the cosmic community. Oh, okay. Which look? Like I said, the middle one, the coming out of jail. Hello, Raju sir, yeah, I'll just end that. Priyanka from India Forums. Sir, recently Aamir Khan narrated how he rejected the film. Basically, he said no, he would not be able to play the part. What was your reaction after getting a no from him? And then, whenever I write a script, I just go to him and narrate him, get a reaction from him. So, I had narrated the script to him also. And not with the intention of asking him to play any role. And he reacts very interestingly to the script, and he liked it. Then just out of greed, I said, Aamir, will you play the
That's our role, father's role. So he took it actually very seriously and he gave it a thought. Then he said, okay, let's meet after a while. So I met him next week again. And then he showed me Dangal. And he said, look, I'm already playing an older role. You see, look my transformation in that. And if my next film after Dangal is again an older role, then people will stop giving me young man's roles. So, which was a valid argument. And finally, we have Parishji playing that sub. Yeah, hello, my question is Ranjit sir. Dutt साहब का दिख रहा है, नरगिस जी का दत्त दिख रहा है और उनकी लाइफ में जो फिल्मी पार्ट था और उनके जो सोशल लाइफ है उस पर ज्यादा दिया है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो थी 92-93 का जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसमें जैसे राकेश मारिया है, मुंबई पुलिस है, शिवसेना थी, बाला साहेब थे, क्या वो सब रोल भी प्रोमिनेंट दिखाए गए हैं फिल्म में? आप देखिए ना फिल्म, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैं आपको ट्रेलर भी दिखा देता हूँ, फिल्म जब रिलीज होगी लेट मत जाना। रणवीर कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड द एंटायर सिनेबोर्ड टू बी हैविंग दैट फीलिंग कि दिस कुड बी परहैप्स योर बेस्ट फिल्म इन योर करियर आई हैव कुछ ऐसी फीलिंग आपको भी आती है आई थिंक यू मस्ट हैव एंजॉयड डूइंग दिस फिल्म आल्सो ऑफ कोर्स और बहुत जरूरत है फॉर अ बेस्ट फिल्म इन माय करियर नो आई बी अमेजिंग इफ दिस फिल्म बिकम्स अ ब्लॉकबस्टर सो प्लीज गो एंड सी द फिल्म इन द थिएटर ऑल ऑफ यू प्लीज सपोर्ट द फिल्म बेस्ट रूम का यहीं खत्म मत कर दीजिए यार अगले महीने नहीं नहीं आई थिंक और कई फिल्में बनाएंगे इससे बेस्ट सर दिस डेट आई एम टॉकिंग सर रणवीर सर आई एम द सेंटर रणवीर सर सेंटर में माधुरी दीक्षित और संजय दत्त की भी लव स्टोरी दिखाई है तो इससे माधुरी दीक्षित का क्या रिएक्शन आपको कैसे पता दिखाई है आप भी लग बताइएगा अगली बार यार फिल्म देखो प्लीज मेहरबानी करो रणवीर सर नहीं आप प्लीज देखो आप प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फिल्म देखो उसमें बहुत मेरी और राजू की भी लव स्टोरी The trailer looks amazing. We live in a digital era where all the actors are present on social platforms. Like if you talk about Vicky, Sonam, everyone, you are not present on social media. But a fake account on your name has 1.7 million followers. So do you think अगर आप social platform पे रहते तो कहीं ना कहीं फिल्म को promotion जो होता है free promotion एक तरह से जो मिल जाता है वो और ज़्यादा मिलता है? I don't think so. I think film होती है trailer जब trailer आता है then that's the film. Social media में मैं I'll be showing myself not really what the film is. Yeah of course you have a reach to a larger audience but I don't miss it. I'm fine being away from it. But never say never. Maybe tomorrow I will come. But as of right now I'm happy being away from it. राजू जी ने कहा कि पूरी की पूरी फिल्म राजू जी प्लीज अटेंशन ऑन दिस एंड मेक मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग समवेयर राजू जी ने कहा कि द फिल्म संजू इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप ऑफ अ फ्रेंड एंड अ फादर डू यू फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड डू यू फील लकी टू गेट द रोल ऑफ दैट इंपॉर्टेंट रोल इन द फिल्म Of course I do. I feel really blessed कि मुझे ये मौका मिला है मुझे याद है जब राजू सर ने नरेशन दी थी तब तक मुझे पता नहीं था कि मैं इसका हिस्सा हूँ या नहीं हूँ और फिर नरेशन के बाद मैंने डर के मारे सर को पूछा था तो सर अब क्या सर ने कहा अरे यू आर ऑन बोर्ड दैट्स व्हाई तो मैं नरेशन दे रहा हूँ एंड दैट मोमेंट आई विल नेवर फॉरगेट इन माय लाइफ कि जब उन्होंने कहा था कि यू आर ऑन बोर्ड फॉर दिस फिल्म बिकॉज लाइक परेश जी ऑल्सो सेड कि ये स्क्रिप्ट वॉज आई मीन इट्स समथिंग एल्स इट्स रियली स्पिरिचुअल And just to be a part of this film, you know, in any capacity, is a dream come true for me. इनकी अगले साल से डेट्स नहीं मिलने वाली किसी को ये मैं बता देता हूँ। Okay, राजू जी आपने कहा, अनुष्का शर्मा की और विधु जी की याद दिलाएगा, तो सोनम और दिया मिर्जा इनके बारे में कुछ एग्जांपल दे दीजिए ताकि पता चले कि क्या एग्जैक्टली अभिजात जोशी की याद दिलाएंगे। भैया राजू जी, यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन सोनम्स कैरेक्टर। क्या जैसे आपने कहा कि अनुष्का की अगर आप बात करें तो आपकी और विधु की याद दिलाएगा सोनम के किरदार की मैं बात करना चाहूंगा तो सोनम के किरदार को कहां किस 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 कैरेक्टर की याद होगी और किस किस किरदार में इन्हें सीधे कि सोनम इज प्लेइंग वन ऑफ द गर्लफ्रेंड्स 308 में से एक सो बाकी आप स्क्रीन पे देखिए दिया इज प्लेइंग एक्चुअली वाइफ हेलो
Okay, guys, thank you so much. Okay, last question. This is the last question. Yeah, yeah. Aap kaafi time se puch rahe hain. Mike. What is the... There was a lot of emotion. Guys, just a second. Guys. Ma'am. Hello. Yeah, last question. Mike is coming to you. Yeah, please. Please unka mic on kijiye. Can I answer that question? Hello. No problem. Thank you. जब हम लोग लगेरो मुना भाई की शूटिंग कंप्लीट कर चुके थे तब आई थिंक एट दैट टाइम आई हैड गॉट द अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद मान्यता एंड ऑफ कोर्स ओवर द इयर्स आई हैव इंटरैक्टेड विद हर लेसन्स तो मैं नहीं कहूँगी लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जब भी कोई किरदार प्ले करने का मौका मिलता है The one thing that we hope to achieve as actors is to be able to empathize with what that character has experienced, that person has experienced in their real life. And jab Raju sir aur Abhijaat jaise log script likhte hain, scenes likhte hain, so that ability to empathize with the reality of the situation increases manifold. Aur I think pehle din se leke last day tak main sirf दो चीज़ें अपने आप को याद दिलाती थी कि अगर मैं इस सिचुएशन में होती तो क्या होता मेरे साथ और उसके अलावा ये जो इंसान हैं जिनको ये सारे सिचुएशन से गुजरने पड़े उनके साथ कितनी गहराई से इसको इफेक्ट हुआ होगा और हाउ दैट मस्ट हैव मेड देम रिएक्ट टू द सिचुएशन दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ रणवीर Thank you so much. Ranveer, there is a scene in the trailer where you've gone nude. Was that particularly difficult to shoot? मैं तो पहले फिल्म से न्यूज़ चला गया था सो आई एम वेरी शाय इन माय रियल लाइफ बट व्हेन द कैमरा इज ऑन आई एम नॉट शाय यू नो आई एम पोर्ट्रेइंग अ कैरेक्टर सो यू हैव टू बी न्यूड इन योर इमोशंस एंड फिजिक Also, what is the censor certificate that you're looking at getting for this film? I don't know. Censor certificate, sir? You. Okay, guys, thank you so much for all the love and the patience. Okay, last question. अच्छा इस फिल्म का म्यूजिक भी बहुत अच्छा है आप सर सो व्हेन यू आर डूइंग दिस मूवी यू मस्ट हैव कम अक्रॉस सम इमोशनल सीन वेयर रियली यू थॉट दैट हाउ कैन दिस गाय मस्ट हैव रियली इन रियल लाइफ ही मस्ट हैव डन सो कहां पर आपने इसे छोड़ दिया कि नो आई कांट डू दिस सीन और समथिंग बिकेम वेरी इमोशनल देखिए जब आप एक फिल्म को कमिट करते हो देन इट्स योर जॉब यू कैन नॉट से यू कांट डू इट यू हैव टू मेक इट वर्क और बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं एक्टर्स की लाइफ में कि आज अच्छा दिन नहीं है आज आपने आप अच्छी तरीके से नहीं सोए हो You know, your mood is bad, you had a fight with someone, but I think when you come on set, you have to deliver, it's your job. Kabhi acha hota hai, kabhi nahi acha hota, kabhi aap itne stress hote ho ki ye bahut important scene hai, main nahi kar paunga. But wo ho jata hai, kyunki not because of you, because wo script mein wo baat hai, jab wo scene aati hai screenplay mein, because of the flow of the screen and of the screenplay and the story, that's why the scene works. So I think actors take a lot of pressure, you just have to deliver to your best of your capabilities and just make it happen. Okay guys, thank you so much for all the love and patience. Thank you. Huge round of applause once again for the entire team Sanju and... Yeah.